नाजरीन। नाजरीन सुल्तान एल्प की एपिसोड नंबर नाइन में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन आज की इस वीडियो में आपके साथ एल्प अरसलान सीरीज की एपिसोड नंबर नाइन का मुकम्मल उर्दू रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाएगा आगाज करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनबर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाज़रीन से गुजारिश है कि एक مرتبہ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरोद मुबारक पढ़ लीजिए नाज़रीन इस एपिसोड के आगाज में हमें तुगलक साहब का महल दिखाया जाता है जहां तुगलक साहब अपने वजीरों मुशीरों के साथ महल के दरमियान यानी के बस्त में आते हैं और कहते हैं यकीनन एक्कामात के मुताबिक वो सब आ गए होंगे कहां है तमाम लोग कहां है नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि कोई भी वहां पर नहीं आता और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि महल का दरवाजा खुलता है और सुलेमान साहब और एल्फ अरसलान उस महल में दाखिल होते हैं तो ये देखकर साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने भतीजों से मुखातिब होकर कहते हैं मेरे प्यारे भतीजे तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन नाजरीन एल्फ अरसलान और सुलेमान साहब के सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन नाजरीन एल्फ अरसलान और सुलेमान साहब के सिपाही बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं ये देख कर साहब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनको क्या हुआ है तो तुगलक साहब आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं फौरन तबीबों को खबर करो और शिफा खान जल्दी करो जल्दी करो तमाम सिपाही तबीबों की तरफ भागते हैं और उन जख्मी सिपाहियों को घोड़ों से उतारते हैं और उन्हें तबीबों की तरफ ली जाती है जब सुल्तान तुग्रुल एल्प अरसलान से मुखातिब होकर कहते हैं ये कैसे हुआ ये कैसी हालत है तमाम लोग बदा लाने के बाद अपने सुल्तान से मुखातिब होकर कहते हैं कि जनाब महल के रस्ते में हम जाल में फंस गए थे सुल्तान अगर एल्प अरसलान ना आता तो आज हम बेमौत मारे जाते तो सिर्फ अरब सकान ही नहीं हम सब खतरे में पड़ जाते जनाब उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया और हमारे सिपाहियों को शहीद किया गया जनाब ये वो गद्दार है जिसने हम पर हमला किया और ये उनका सरबरा है ये देखकर सुल्तान तुगरुल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सुल्तान तुगरुल एल्प अरसलान से मुखातिब होकर कहती हैं कि एल्प अरसलान तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें जाल के मामले का कैसे इलम हुआ मुझे बताओ जिसके जवाब में अरसलान सुल्तान से मुखातिब होकर कहते हैं मेरे सुल्तान नहीं तो तुम हमारे पीछे कैसे आए ये सवाल सुलेमान साहब एल्फ अरसलान से करते हैं कि आखिरकार तुम्हें इलम कैसे हुआ और तुम हमारे पीछे कैसे आए नाजरीन अपने भाई और सुल्तान तुगरुल शक की बातें सुनकर अरसलान अपने जेब में से एक खत निकालते हैं और सुल्तान तगरुल से मुखातिब होकर कहते हैं कि जनाब जनाब इसकी वजह से ये देखकर सुल्तान तगरुल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सलेमान साहब उस मंजर को याद करने लगती हैं जब उन्हें उनके बाबा ने कहा यानी कि ये सुलेमान ये सुल्तान को दे देना। उनके बाबा ने उनको एक खत दिया था जो कि सुलेमान साहब अपने घर ही भूल आए थे और और एल्प अरसलान और सुलेमान साहब के वालिद ने कहा था कि तुम ये खत बजाते खुद अपने सुल्तान के हाथ में देना लेकिन सुलेमान साहब ये खत घर ही में भूल आए थे तो एल्प अरसलान ये खत अपने भाई तक पहुंचाने के लिए आया था इसके बाद सुलेमान साहब सुल्तान तुगरुल से मुखातिब होकर कहते हैं कि जनाब ये वो खत है जो हमारे वालिद ने आपकी तरफ पहुंचाने का हुक्म दिया था मेरे सुल्तान ये सुनकर सुल्तान तगरुल सुलेमान साहब के हाथ से वो खत ले लेते हैं और सुलेमान साहब की तरफ देखने लगते हैं और एल्प अरसलान की तरफ भी देखने लगते हैं जिसे तुगरुल साहब को काफी ज्यादा खुशी होती है कि एल्प अरसलान सही समझदार है इसके बाद तुगरुल साहब उस दुश्मन की तरफ देखने लगते हैं और उससे मुखातिब होकर कहते हैं ये जाल नसब करने वाला कौन है इनसे कोई सुराग मिला जिसके जवाब में एक सिपाही सुल्तान तुगरुल से मुखातिब होकर कहता है 《あっ नहीं सुल्तान शायद हकीक करने से मालूम हो जाए यानी कि तहकीक करने से मालूम हो जाए इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें एल्प अरसलान के तमाम सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि उस शख्स से तहकीक कर रही होती है जिन्होंने जाल बिछाया है उसे सही मार रही होती हैं और वहां पर एल्फ अरसलान भी मौजूद होता है एल्फ अरसलान के सिपाही उस शख्स से मुखातिब होकर कहती है कि बताओ किसने तुम्हें भेजा है बताओ हमें तुम्हें किसने भेजा है इसके बाद वो उसे घुसा यानी कि मुक्का मार रहा होता है तो एल्प अरसलान अपने सिपाही से मुखातिब होकर कहता है कि रुको मैं इससे पूछता हूँ कि इसे किसने भेजा है इसके बाद सुल्तान एल्प अरसलान उस शख्स के मुंह से पकड़कर उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है लेकिन वो शख्स गूंगा होता है इसके बाद जब सुल्तान एल्प अरसलान उसका मुंह खोलकर देखती है हैं तो सुल्तान एल्प अरसलान अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ये गुंगा है इसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान की नजर वहां जिंदान में कुछ पड़े हुए तीरों पर पड़ती है तो सुल्तान अल्प अरसलाम उनकी तरफ बढ़कर उन तीरों को गौर से देखने लगती है सिपाही भी परेशान और हैरान हो जाती है कि आखिरकार सुल्तान अल्प अरसलान कर क्या रही हैं इसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान उस तीर को तोड़ते हुए उससे सूंघने लगती है यानी कि उससे कोई चीज सूंघने लगती है

सुल्तान एल्प अरसलान सलान की नई एपिसोड की नई उर्दू रिव्यूज को नोटिफिकेशन आप तक वक्त पहुंच सके इस बंदाई ना चीज को दीजिए इजाजत मिलते हैं सुल्तान एल्प अरसलान सलान की नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा हमें दुआओं में याद रखेगा अल्लाह हाफिज